नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ पूजा सचदेवा। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 41 मजदूरों की जिंदगी के साथ लड़ रहे जो जंग है उससे जुड़ी बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया है। 10वें दिन भी राहत बचाव कार्य जारी है। सुरंग में फंसे हुए 41 लोगों की जिंदगी को बचाने की कोशिश चल रही है। सुरंग में फंसे मजदूरों की पहली तस्वीर सामने आई है और आज फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। 12 नवंबर से सुरंग में ही फंसे हुए हैं मजदूर और आज फिर से एक बार ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। पहली तस्वीर सुरंग में फंसे हुए मजदूरों के सामने आ चुकी है। ये तस्वीर आपके सामने, इस तस्वीर में आप देखिए, ये सुरंग के भीतर की तस्वीर है जहां पर फंसे हुए हैं 41 मजदूर। इनकी जिंदगियों को बचाना है, कोशिश लगातार जारी है और 10वां दिन है आज उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का और तेज कर दिया गया है। 6 फ्रंट ऑपरेशंस पे काम चल रहा है। रोबोट की भी मदद ली जा सकती है आज, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। अगले 24 से 48 घंटे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। एक सुरंग, 10वां दिन, 41 मजदूर और इस सुरंग के अंदर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए, ये मजदूर है जो अंदर फंसे हुए हैं। आप देखिए इन मजदूरों का हौसला, इनका मनोबल कि 10 दिन हो चुके हैं लेकिन डटे हुए हैं यहां पर। लगातार कोशिश की जा रही है इन्हें बचाने की, बाहर निकालने की, खाने पीने और ऑक्सीजन जैसी जरूरी जो चीजें हैं वो इन तक पहुंचाई जा रही हैं और हर फ्रंट पर काम हो रहा है ताकि जल्द से जल्द इन मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। तो सफल रेस्क्यू ऑपरेशन का इंतजार है और इसी बीच पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है, उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में फंसे श्रमिकों की पहली बार तस्वीर प्राप्त हुई है। यह ट्वीट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, उन्होंने आगे लिखा, सभी श्रमिक भाई पूरी तरह से सुरक्षित हैं, हम उन्हें शीघ्र ही सकुशल बाहर निकालने हेतु पूरी ताकत के साथ प्रयासरत हैं। ये एक्स पर पोस्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कि सभी जो मजदूर हैं वो सुरक्षित हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी अंदर से एक तस्वीर देखी गई है। जो टीमें हैं वो लगातार जुटी हुई हैं और अब एक तस्वीर सामने आई है जिनमें सुरंग के भीतर फंसे उन 41 मजदूरों को देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि सभी के सभी मजदूर सुरक्षित हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन्हें बाहर निकाल लिया जाए। प्रायोरिटी यही कि इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए और जो भी जरूरी सामान है वो इन तक पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो से आपको हर अपडेट देने के लिए तैयार है एबीपी न्यूज की टीम। हमारे साथ उत्तरकाशी से संवाददाता दीपक रावत, संजय त्रिपाठी और अंकित गुप्ता इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। और सबसे पहले संजय, आप ही के पास आते हुए, आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है। सबसे पहले बताइए कि सुबह सुबह से अब तक कितना काम हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये जिस तरफ मैं खड़ा हूँ ये बलकोट है और सामने की तरफ जो सुरंग देख रहे हैं आप, एक जो रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा है वो यहाँ से भी शुरू किया जाएगा और सिलक्यारा की तरफ से जहाँ मेरे दो सहयोगी दीपक रावत और अंकित गुप्ता खड़े हुए हैं वहाँ से मेन ड्रिलिंग का काम हो रहा है और जो आज मोटा पाइप जिससे मजदूरों को बाहर निकाला जाना है उसको आगे लेकर के जाना है। रास्ते में कई रुकावटें बाधाएं आ रही हैं लेकिन उनको दूर किया जाएगा। कल जो 6 इंच का पाइप डाला गया था उससे जो मजदूरों को खाना था, पौष्टिक आहार था, वो पहुँचाया जा रहा था और उसी के बीच में जिस तरह से आपने देखा कि भीतर फंसे मजदूरों की जो आज तस्वीरें सामने आई हैं उससे एक हौसला बढ़ा है। परिवार के लोगों के मन में जो मजदूर फंसे हैं उनके परिवारी जन हैं, उस तस्वीर को देख करके कहीं ना कहीं उनको सुकून महसूस हुआ होगा कि सारे के सारे लोग भीतर सुरक्षित हैं, खाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है, उनसे पूरी तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है। बस इंतज़ार किया जा रहा है कि किस तरह से जो बड़ा पाइप है उसको लेकर के अंदर जाया जा सके मशीनों के जरिए और मजदूरों को बाहर निकाला सके। विदेश से जो एक्सपर्ट हैं वो भी आ चुके हैं, वो अपना एक्सपर्टाइज बता रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ लगातार उत्तराखंड के अधिकारी और साथ ही साथ एनएच के जो अधिकारी हैं वो लगातार डिस्कशन कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन को जिन 5 अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से चलाया जाना है उसमें उनकी एक्सपर्टाइज किस तरह से इस्तेमाल की जा सकती है जिससे कि जो ये श्रमिक भीतर फंसे हुए हैं ये जल्द से जल्द बिल्कुल बाहर निकल सके। पहली बार है कि मजदूरों के तस्वीरें जो हैं अंदर से सुरंग के वो सामने आई हैं और ये बहुत राहत देने वाली है कि 41 के 41 मजदूर सुरक्षित हैं वहां पर। अंकित, आपके पास आते हुए, देखिए अभी तक जो तकनीक का इस्तेमाल पहले किया गया, बेशक वो ऑगर मशीन्स हो या नए तरीके से उन ऑगर मशीन्स को इंस्टॉल किया गया हो, वो तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं लेकिन आज इस तरीके से रोबोटिक मदद ली जा सकती है, यानी कि नेक्स्ट फ्रंट पर ऑपरेशन चलाने की तैयारी है। इस ऑपरेशन से कितनी उम्मीद है अंकित आज?
देखिए पिछले 9 दिनों में कोशिशें बहुत की गई लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन अब जिस तरफ कोशिश बढ़ रही है एक उम्मीद जरूर जगी है, क्योंकि सिर्फ एक दो फ्रंट पे नहीं बल्कि 6 अलग अलग फ्रंट्स पर ये कोशिश चल रही है। लेकिन दिक्कत कहां पर आ रही है वो भी आपको समझाता हूं पूजा, क्योंकि मैं इस वक्त उसी पहाड़ी के पास में ही मौजूद हूँ जहां पर ये टनल बन रही है। और देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं ये ऐसा नहीं है कि सारी पहाड़ियां एक तरह की हैं, एक पहाड़ी आपको पत्थर की नजर आएगी तो दूसरी पहाड़ी आपको जो है मिट्टी की नजर आएगी। अब ऐसे में जो यहाँ पर चुनौती है वो ये है कि मशीन को अगर कहीं पर स्थापित किया भी जा रहा है, ऑगर मशीन हो या बाकी जो मशीन हो, तो वहां पर पहले ये देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मशीन का जो प्रेशर हो उसके चलते जो भूस्खलन हो जाए या फिर जो टनल के अंदर और ज्यादा मलबा बढ़ जाए, लिहाजा चुनौतियां कई हैं और इस वजह से ये मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर जो सॉयल एक्सपर्ट्स हैं वो पहुंचे हुए हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं वो पहुंचे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ जो है इंजीनियर्स ही काम कर रही है, लेबर काम कर रही है, यहाँ पर तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो काम में जुटे हुए हैं। और इसी वजह से अब कोशिश ये की जा रही है कि उन एक्सपर्ट्स की मदद से ऐसी जगहों को तलाशा जा सके जहां पर मशीन को स्थापित किया जा सके और उसके बाद में टनल के अंदर पहुंचा जा सके। लेकिन इस सबके बीच में एक जो अच्छी खबर जिसका आप भी लगातार जिक्र कर रही हैं और खुद मुख्यमंत्री ने भी जिक्र किया कि मजदूर अंदर पूरी तरह सुरक्षित हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, अपने लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं, उन तक खाना पहुंच रहा है, जरूरत के सामान पहुंच रहा है, तो एक उम्मीद निश्चित तौर पर और ज्यादा बढ़ी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अब उम्मीद और ज्यादा बढ़ी है, जगी है। और जिस तरीके से ये मजदूर भी डट कर वहां पर अपना हौसला बढ़ाए हुए खड़े हुए हैं, ये भी इस बात की भी दाद देनी पड़ेगी। मैं अंकित आपके पास वापस आ रही हूँ, दीपक आपके पास भी आऊंगी, आपसे भी सवाल रहेगा। लेकिन दर्शकों को एक बार जल्दी से ये बता देते हैं कि आज का दिन क्यों इतना महत्वपूर्ण है, टनल में आज के दिन क्या क्या होने वाला है, कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, वो पूरी जानकारी। देखिए ड्रिल मशीन सुरंग के ऊपर आज भेजी जाएगी, मशीन इंस्टॉल करने की शुरुआत भी आज ही होगी। सुरंग में ऑगर मशीन एक बार दोबारा चलेगी, पहले भी हालांकि ऑगर मशीन चलाई गई है लेकिन दोबारा से इसे चलाया जाएगा। रोबोट को चलाने की कोशिश होगी और हो सकता है ये पहली दफा हो जब रोबोट को वहां पर चलाया जाए। सुरंग के दूसरे सिरे पर भी काम किया जाएगा। इसके अलावा फंसे हुए मजदूरों को खाना पानी ऑक्सीजन जो भी जरूरी सामान है वो सब दिया जाएगा। ये है आज का मास्टर प्लान जिसके जरिए तमाम कोशिशें आज वहां पर की जाएंगी। लेकिन इन सबके बीच दीपक हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि और कितना समय और कितने दिन, क्या लग रहा है आपको कि ये जो प्लान तैयार हुआ है इस प्लान के बाद कितने दिनों में हम इन मजदूरों को बाहर सुरक्षित देख पाएंगे? देखिए इस बात का जवाब किसी भी अधिकारी के पास नहीं है कि कितना वक्त लग जाएगा। जो भी अधिकारी यहाँ पर काम कर रहा है उसे यही सवाल हर दिन हर लोग पूछते हैं लेकिन उसका जवाब वो दे नहीं पाते। लेकिन फिलहाल तस्वीर आपको दिखा देते हैं टनल की, जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन पहले दिन से चल रहा है, 10वां दिन आज है। थोड़ा सा टेक्निकली समझाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ से कल 6 इंच का पाइप डाला गया है जिसके जरिए ये तस्वीरें बाहर आई हैं, अब जो यहाँ के एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पाइप के बीच में कोई रुकावट नहीं आई, कोई चट्टान नहीं आई, कोई बीच में कोई ऐसी गाड़ी नहीं आई जो कि टनल में काम कर रही हो और बीच में फंस गई हो, यानी कि कोई ऐसी रुकावट बीच में नहीं है। 55-56 मीटर उन्होंने इस पाइप को डाला है, यानी कि 60 मीटर से ज़्यादा का मलबा भी नहीं है। तो अब ये माना जा रहा है कि जो 25 मीटर तक की ड्रिलिंग पहले से की जा चुकी है, बड़े पाइप 900 mm के जो पाइप लगा दिए गए हैं, अब ऐसे ही करीबन 4-5 पाइप और डालेंगे तो काम हो जाएगा। एक पाइप करीबन 6 इंच का है तो ये माना जा रहा है कि 30-35 मीटर उनको और खोदना होगा और उसके बाद वहाँ पर बड़ी कामयाबी मिल सकती है। और सबसे बड़ी राहत की बात ये है कि जहाँ से ये पाइप डाला गया है वहाँ पर चट्टान नहीं है, वहाँ पर मशीन नहीं है, यानी कि बहुत आसानी से अगर कोशिश की जाए तो बहुत आसानी से उन तक अब पहुँचा जा सकता है। इसीलिए कल जो यहाँ पर अधिकारी थे, जो एक्सपर्ट्स थे, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे और उनका ये कहना था कि अब सबसे बड़ी जो शुरुआत करनी होगी वो ठीक इसी जगह से करनी होगी, यहीं से ड्रिलिंग का काम शुरू करना होगा। और आज थोड़ी देर बाद यहाँ पर ड्रिलिंग का काम शुरू भी हो जाएगा क्योंकि पहली जो मशीन थी उसका बेयरिंग टूट गया था, दूसरी ऑगर मशीन मंगाई गई और उसको भी दिखा देते हैं। देखिए सामने आपको ऑरेंज कलर के विंड दिखाई देंगे, ये वो कटर होते हैं जो कि आगे के हिस्से को काटते हैं, तो ये काफ़ी मजबूत मशीन है, अमेरिकन ऑगर मशीन है, अमेरिकी एक्सपर्ट से भी इस मशीन के बारे में जानकारी ली जा रही है, कई सारे विदेशी एक्सपर्ट भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो यही मशीन है जो कि उन मजदूरों तक उस पाइप को पहुँचा सकती है जिसके ज़रिए वो एक एक कर
बाहर आ जाएंगे। ठीक है दीपक, मैं वापस से आपके पास आ रही हूँ। तो ये तस्वीरें दीपक आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहां पर मशीनों को इंस्टॉल किया गया है और लगातार वहां पर काम चल रहा है। लेकिन अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि अब तक किस किस तरीके से ऑपरेशन वहां पर चला है इन मजदूरों को बचाने के लिए और किस तरीके से नाकाम हुआ, लेकिन अब सफल कैसे होगा वो तमाम जानकारी देखिए। ऑगर मशीन चलाई गई, वो फेल हो गई। उसके बाद नई ऑगर मशीन वहां पर चलाई गई, वो भी फेल हो गई। पाइपों की ड्रिलिंग वहां पर की गई, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हुआ। उसके बाद देखिए, जहां पर मलबा गिरा वहां पर ऑगर मशीन से ड्रिलिंग और दूसरे हिस्से में बड़कोट की तरफ से भी ड्रिलिंग। इसके बाद जो ऊपर वाली पहाड़ी है वहां से भी ड्रिलिंग। इसके बाद देखिए, ऊपरी हिस्से पर एक और जगह से भी ड्रिल की कोशिश की गई। दाईं तरफ से भी रास्ता तैयार करने की कोशिश अब की जाएगी, बाईं तरफ से भी रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। तो यानी कि कुल मिलाकर बेशक जैसा हमने आपको बताया कि ऑगर मशीन और एक बार फिर से नई ऑगर मशीन को इंस्टॉल किया गया, वो फेल हो गई, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है क्योंकि अभी और भी कई तरीके के ऑपरेशन हैं जिनको वहां पर कामयाब करने की कोशिश लगातार की जा रही है। आपको एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर संजय के पास लेकर चलते हैं। संजय, एक बात जरूर कहनी होगी कि ये मजदूर जो हैं, ये अपना हौसला बढ़ाकर जिस तरीके से बैठे हैं, इस बात की तारीफ जरूर करनी होगी। और मुझे लगता है ये मजदूर ही हैं जो इस तरीके से खुद को वहां पर खड़ा रख सकते हैं, क्योंकि जिन विषम परिस्थितियों में वो काम करते हैं या जिस तरीके का उनका बिल्ट होता है। संजय, निश्चित रूप से ये जीवटता इन्हीं श्रमिकों की है। आप खुद सोचिए कि 4.5 किलोमीटर लंबी ये टनल है जो बलकोट से लेकर के और दूसरी तरफ जो इसका हिस्सा है वो खुलता जाकर के सिल्क्यार में, 4.5 किलोमीटर की इतनी बड़ी टनल सोचिए बना रहे हैं ये मजदूर। इनकी जीवटता का अंदाज़ा लगाइए, 9 दिन बीत चुके हैं, 10वां दिन है आज और 10 दिन लगभग मान के चलें अगर होने को हैं तो उस उन इतने बड़े समय में भीतर फंसे हुए इन श्रमिकों के हालात आप सोच सकती हैं, कल्पना ही कर सकती हैं, केवल पूजा एहसास नहीं कर सकती, क्योंकि एहसास तो वो श्रमिक कर रहे हैं जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो कर रहे हैं। कितनी मुश्किलें पेश आ रही होंगी, 10 दिन से उन्होंने खुला आसमान नहीं देखा होगा, धूप नहीं देखी होगी, उनके रिश्तेदार नातेदार परिवारजनों का चेहरा नहीं देखा होगा, उनसे बात नहीं की गई होगी अब तक, तो उनकी मनोभाव को समझ सकती हैं। बावजूद उसके ये उनकी जीवटता है जो अब तक डटे हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं, जिंदगी जिंदाबाज का नारा लगा रहे हैं। तो अब कोशिशें जारी हैं, जैसा कि दीपक रावत हमारे सहयोगी बता रहे थे कि लगातार जो टेक्निकल डिटेल्स उन्होंने दी कि लगातार काम जारी है और बहुत जल्द इस सुरंग के भीतर वो स्थान पर पहुंचा जा सकेगा जहां पर ये 41 श्रमिक फंसे हुए हैं और उनको निकालने का काम जल्द से जल्द शुरू होगा। बिल्कुल संजय, सभी यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं। और बिल्कुल मैं वापस से संजय आपके पास आ रही हूँ। अंकित, संजय के बाद आपका रुख भी करूंगी, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक ग्राफिक्स के जरिए नया रास्ता समझाने की कोशिश करेंगे कि इन 41 जिंदगियों को बचाने का नया रास्ता क्या है, किस तरीके से इस नए रास्ते के प्लान को तैयार किया गया है। देखिए, सबसे पहले 150 मीटर ऊपर जो है वो मार्किंग की जाएगी, फिर उसके बाद दो तरह की ड्रिलिंग होगी। देखिए, 8 इंच चौड़ा पाइप वहां पर इंस्टॉल किया जाएगा और उसके बाद वहां से खाना पानी और दवा की सप्लाई की जाएगी। ये बहुत राहत की बात है। देखिए, ऑक्सीजन सप्लाई भी होगी। उसके बाद टनल में कैमरा भेजे जाएंगे ताकि उन कैमरों के जरिए नजर रखी जा सके कि वहां पर मजदूर किस अवस्था में है, अंदर की स्थिति को जाना जाएगा कि अंदर किस तरीके की परिस्थितियां हैं, क्या क्या जरूरतें हैं। तो अंदर की स्थिति जानने के बाद तस्वीरों से टनल की मैपिंग भी की जाएगी, टनल में कैमरे भेजेंगे, उसके बाद यहां पर एक वर्टिकल ड्रिल की जाएगी। ये नया रास्ता है, नया प्लान है ये, जिसमें 100 से 120 मीटर तक की वर्टिकल ड्रिलिंग भी की जाएगी। 900 मिलीमीटर के पाइप्स अंदर इंस्टॉल किए जाएंगे, उसके बाद जो लोग हैं वो बाहर निकल सकेंगे और इसी का इंतजार है। देखिए, कब ये 41 जिंदगियां बाहर निकलेंगी, इसी का इंतजार लगातार बना हुआ है। ग्राउंड जीरो पर हमारे 3 सहयोगी आपको लगातार नजर आ रहे हैं जो आप तक हर तस्वीर हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। अंकित के पास लेकर चलते हैं। अंकित, आप लगातार वो पहाड़ी, वो चट्टानें और वो मुश्किलें, चुनौतियां हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं और उसी जगह पर मौजूद होकर आप हमें दिखा रहे हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स वहां पर आ रहे हैं, बेशक वो इंटरनेशनल हो, वो क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से काम चल रहा है क्या यही सही दिशा है, ऐसे ही काम होना चाहिए, या वो कुछ और भी बता रहे हैं वहां पर? देखिए, पिछले 9 दिनों में बहुत सारी चीज़ें कोशिश की गई, ट्राई की गई, लेकिन वो जो है उन सफलता नहीं मिली। लेकिन अब जो है जो तमाम एक्सपर्ट्स की टीम है वो एक निष्कर्ष पे पहुंची है कि किस तरीके से ऑगर मशीन का इस्तेमाल करना है और कैसे। देखिए, क्योंकि अगर हम जो है एक एक ग्राफिक के जरिए या एक एक मैप के जरिए समझें तो टनल तो 4.5 किलोमीटर लंबी है, लेकिन उस तक सबसे आसानी से पहुँचने का तरीका क्या है,
वो है वर्टिकल। अगर आप जो नीचे आते हैं, और इसी वजह से बार बार ऑगर मशीन का जिक्र हो रहा है, फिर चाहे जब वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जब यहां पर आए थे तो उन्होंने भी ऑगर मशीन का जिक्र किया, जब हम तमाम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं वो भी बार बार ऑगर मशीन का जिक्र कर रहे हैं। ऑगर मशीन क्या काम करेगी? पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर से वो सीधा टनल, मान लीजिए कि जहां पर मैं मौजूद हूं ये वो हिस्सा है जहां पर जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, वो फंसे हुए हैं, तो वो ऊपर से ड्रिल करके एक जो है पाइप अंदर डालेगी और उस पाइप में रास्ता बनाया जाएगा कि यहां से मजदूर इसमें अंदर जाएं और यहां से ऊपर जा सके। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट बताया जा रहा है फिलहाल। तकनीकी दिक्कतें हैं, तकनीकी क्या दिक्कतें हैं, मान लीजिए अगर ये मशीन है और यहां पर जो है ये समतल जमीन नहीं है, यहां मशीन का जैसे ही कंपन होगा ये मशीन धस सकती है, और इसी वजह से चुनौतियां ज्यादा है, क्योंकि शनिवार को जब ये मशीन चलाई गई थी तो उस दौरान मशीन का जो है जो नीचे का हिस्सा था वहां कंपन हुआ और जो कुछ हिस्सा धसने का जो आशंका बनी, और इसी वजह से उस काम को रोक दिया गया था। अब एक नई जगह पर जहां समतल जमीन है, जहां पर जो हार्ड रॉक्स है, वहां पर इस मशीन को स्थापित किया जा रहा है और वहां से वर्टिकल ड्रिलिंग करके इन श्रमिकों तक पहुंचने की कोशिश है। अंकित, लेकिन आपने और आपके कैमरा पर्सन ने बहुत ही सरल तरीके से इसे समझाया है ताकि दर्शक बहुत इजीली समझ पाए कि दिक्कतें आखिर आ क्या रही हैं। दीपक, एक कमेंट आपसे ये चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं, मुझे लगता है कि फूंक फूंक कर कदम इसलिए भी रखा जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि एक एक जान सुरक्षित बाहर निकले। क्या यही वजह है सबसे बड़ी? देखिए, जब कल ये तमाम NHIDCL के लोग यहाँ पर पहुँचे थे, डायरेक्टर यहाँ पर पहुँचे थे अंशु मनीष, उन्होंने एक बात कही कि ये जो मशीन है अमेरिकन ऑगर मशीन, ये जब ड्रिलिंग करती है तो वाइब्रेशन तो होता ही है, लेकिन जो ये यहाँ की स्थिति, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ पर क्या है कि जब आप मलबा पहले गिर रहा है, एक कोन बन गया है, चिमनी जैसा कोन बन गया है, और उससे मलबा लगातार नीचे आ रहा है, तो होता क्या है कि जैसे ही मशीन अंदर की तरफ ड्रिल करने की कोशिश करती है ऊपर से मलबा आता है, उस पर प्रेशर पड़ जाता है और आगे का हिस्सा टूट जाता है या निकल जाता है, उसको फिर बाहर निकालना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है, उसको बाहर निकाल के फिर उसको इंस्टॉल किया जाता है, फिर लगा दिया जाता है, इस प्रोसेस में बहुत लंबा वक्त लग जाता है। फिर जब हम पाइप डालते हैं, 6 इंच का जो पाइप है, वो पाइप जब अंदर चला जाता है तो दूसरे पाइप को उसमें जोड़ने के लिए ड्रिल वेल्डिंग की जाती है, वेल्डिंग करने में 2 से 2.5 घंटे का वक्त लगता है क्योंकि वो बहुत गर्म होता है, उसे ठंडा भी करना होता है, क्योंकि आप गर्म वेल्डिंग गर्म रहेगा अगर पाइप और उसको पुश करेंगे तो क्रैक हो जाएगा, यानी कि आपकी जो पूरी कवायद है फेल हो जाएगी, तो उसमें भी 2 से 2.5 घंटे का वक्त लग जाता है। 1 मीटर के आसपास ये 1 घंटे में ड्रिल कर पा रही है, तो आप इस अंदाजे से देखिए कि काफ़ी लंबा वक्त जरूर लगेगा। हालांकि दूरी 30-35 मीटर की रह गई है, लेकिन इस 30-35 मीटर को भेदने में भी बहुत घंटे लग जाएंगे। ये वजह है कि आराम से बीच बीच में रोक रोक कर इस मशीन को चलाना पड़ रहा है, क्योंकि आप कंटिन्यू भी नहीं चला सकते, कंटिन्यू चलाएंगे तो वाइब्रेशन होता रहेगा और मिट्टी गिरती रहेगी, मलबा गिरता रहेगा। इस ऑपरेशन के साथ, इस मुहिम के साथ एबीपी न्यूज भी खड़ा है, क्योंकि हम सब वो पहली तस्वीर देखना चाहते हैं जब मजदूर उस टनल से बाहर निकले। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के।